आपने ऋतिक रोशन की लक्ष्य फिल्म तो देखी होगी, उसमें पूरी सच्चाई नहीं थी। पूरी सच्चाई आज हम आपको इस स्टोरी के जरिए सुनाने जा रहे हैं। 4 जुलाई 1999 का दिन था जब घातक नाम की पलटन को कारगिल में टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए भेजा गया। योगेंद्र सिंह उस समय पलटन में सूबेदार थे। 10 मई 1980 में पैदा हुए योगेंद्र का बचपन अनुशासन में बीता। पिता करण सिंह यादव भी सेना से रिटायर्ड थे। वह 1965 से 1971 की लड़ाइयों का हिस्सा भी रहे थे। इस कारण बचपन से ही योगेंद्र सेना में भर्ती होने का सपना देखने लगे थे। वह अक्सर पिता के साथ बैठकर सेना की वीरता के किस्से सुना करते थे। बड़े होते ही उन्होंने अपना ये अरमान पूरा किया। महज 16 साल की उम्र में वह सेना का हिस्सा बनने में सफल रहे थे। टाइगर हिल एक पहाड़ी थी जो सीधा खड़ी थी और जिसकी लंबाई लगभग 16,000 फीट थी। सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि किसी ना किसी को पहाड़ी पर चढ़कर रस्सियां बांधनी थी ताकि सभी फौजी पहाड़ पर चढ़ सकें। दुश्मन के बंकर पहाड़ के ऊपर थे और उन तक पहुंचने के लिए पहाड़ को चढ़ना जरूरी था। उस वक्त सूबेदार योगेंद्र सिंह आगे आए और पहाड़ पर चढ़कर रस्सियां लगाने का काम शुरू किया, लेकिन पहाड़ी पर बैठे दुश्मन ने उन्हें देख लिया और ऊपर से गोलियां चलानी शुरू कर दी। उस हमले में पलटन के कमांडर और 2 सैनिक शहीद हो गए। उस हमले में सूबेदार योगेंद्र सिंह को कंधे और पैर में कई गोलियां लगीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और रस्सियां बांधते रहे। उन्होंने काफी देर तक घायल हालत में इंतजार किया। उस वक्त वे पहाड़ी पर ही लटके हुए थे। कुछ देर बाद दुश्मनों को लगा कि सभी हिंदुस्तानी सैनिक मर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। 15 घंटे इंतजार करने के बाद घायल योगेंद्र सिंह फिर से पहाड़ी पर चढ़े और अपनी पलटन के बाकी बचे सैनिकों को इशारा किया कि अब वो भी छुपते हुए पहाड़ी चढ़कर ऊपर आ जाएं। बस फिर क्या था, सूबेदार योगेंद्र सिंह ने पहाड़ी के ऊपर चढ़ते ही एक ग्रेनेड दुश्मन के बंकर में फेंक दिया, जिससे उस बंकर में बैठे सभी दुश्मन सिपाही मारे गए। तभी वहां बैठे बाकी दुश्मन सैनिकों में हड़कंप सा मच गया, लेकिन घायल योगेंद्र सिंह आगे बढ़ते रहे। इतनी देर में नीचे से बाकी हिंदुस्तानी सैनिक भी ऊपर आ गए और बड़ी बहादुरी से दुश्मनों का सामना किया और उन्हें टाइगर हिल से भगा दिया। इस तरह सूबेदार योगेंद्र सिंह ने अपनी पलटन का साथ दिया और टाइगर हिल पर कब्जा करने में सहयोग दिया। इतनी गोलियां लगने के बाद योगेंद्र सिंह को मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन योगेंद्र सिंह ने मौत को भी चकमा दे दिया और कुछ दिनों में बिल्कुल स्वस्थ हो गए। सूबेदार योगेंद्र सिंह पहले ऐसे आर्मी के सैनिक हैं जिन्हें जीते जी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी बहादुरी और बलिदान के लिए हमारा सलाम है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।